हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फाइव मेजर डिफरेंसेस की, जो पोस्ट और पेज को डिफरेंट बनाते हैं एक दूसरे से। चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस वर्डप्रेस की सीरीज़ में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ में डिफरेंसेस मैं बता भी दूंगा और साथ साथ में आपको दिखा भी दूंगा। तो फर्स्ट डिफरेंस से शुरू करते हैं हम। पहला डिफरेंस जो है वो पेज जो है वो डेट इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो पोस्ट होती है वो डेट पर डिपेंडेंट होती है। अगर आप कोई पेज आप बनाते हो तो उसका आप कब आप उस पेज को बना रहे हो, कौन सी डेट को बना रहे हो, इससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। पर अगर आप पोस्ट देखेंगे तो उसका इस चीज़ से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है कि वो पोस्ट जो आपने लिखी है, जिस चीज़ के बारे में, जिस इवेंट के बारे में आप लिख रहे हो, वो कौन सी डेट को हुआ। तो जो पोस्ट होती है वो डेट डिपेंडेंट होती है, और जो पेज हुआ वो डेट डिपेंडेंट नहीं होता आपका। नेक्स्ट जो है हमारा जो डिफरेंस है वो है पेज डोंट हैव टैग्स। अगर आप पेजेस अगर आप देखते हो तो इनमें टैग्स नहीं होते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ किसी भी टैग को ऐड करने का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ऐड न्यू टैग, यहाँ पे मेरे को टैग ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। आप यहाँ पर भी जाके देखेंगे, अगर आप पोस्ट पर जाते हो, ऑल पे ऑल पोस्टर्स ऐड न्यू कैटेगरी और टैग्स, ये मेरे पास यहाँ टैग्स का ऑप्शन है। पर पेजेस में जाते हो तो मेरे को यहाँ टैग्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं कि जो पोस्ट है उसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, चाहे वो ऑप्शनल है आपके पास, पर आपके पास ये ऑप्शन होता है। और पर पेजेस में ये एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं होता। तो एक्सेप्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है? एक्सेप्ट होता है एक समरी, पूरे कंटेंट, पूरे पेज की एक समरी जो होती है आपके पास, वो इस एक्सेप्ट में लिखी जाती है। बट पेजेस में इस तरह की हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारे पास वो है पेज डॉट हैव कैटेगरीज। अगर आप पेजेस देखते हो यहाँ पे हम जाके आप देखेंगे तो पेज में जो है वो कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पर अगर आप पोस्ट में जाते हो तो मेरे पास एक कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैटेगरीज जो है वो डिफाइन करती है कि आप किस तरीके की पोस्ट आप जो है वो पब्लिश कर रहे हो। आपने अपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर आप ट्रैवल से रिलेटेड भी पोस्ट डाल रहे हो, फूड से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो, और साथ में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो, तो उन पोस्टों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे आपके आने वाले जो विजिटर हैं उनके लिए भी और खुद के लिए भी। तो आप उसको मार्क कर दोगे एज अ वन अंडर अंडर वन कैटेगरी, कि वो पोस्ट जो है वो ट्रैवल से रिलेट करती है या फूड से रिलेट करती है या टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, ताकि आपका जो विजिटर है वो भी ईजिली, सिर्फ अगर उसको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट पढ़नी है तो वो पढ़ सके, अगर फूड से रिलेटेड पढ़नी है तो वो पढ़ सके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट डिफरेंस जो आता है वो है पेज डू नॉट अपियर इन द फीड, आरएसएस फीड। अपने आरएसएस फीड का नाम जो आपने वो सुना ही होगा। तो हर वेबसाइट की एक आरएसएस फीड होती है अपनी, आप किसी भी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उसमें एक आरएसएस फीड का ऑप्शन ज़रूर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पेजेस हैं वो उस आरएसएस फीड में जो है वो ऐड नहीं होते या अपीयर नहीं होते, पर जो पोस्ट है वो आरएसएस फीड में अपीयर होती है। और इसका जो यूज़ है मोस्टली आरएसएस फीड को, आप देखेंगे कि अगर आपके पास, आप देखेंगे कि आपके पास वेबसाइट में, मोस्ट ऑफ वेबसाइट में आपके पास एक ऑप्शन नीचे दिया जाता है आरएसएस फीड का, तो वो फीड भी जैसे किसी वेबसाइट को एसईओ के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, कि वो रैंक कराने के लिए ज़रूरी होती है। तो उस जो आरएसएस फीड में, उसमें भी आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया वो डिफरेंस, कि उसमें सिर्फ आपकी पोस्ट ही डिफरेंस, आपकी पोस्ट ही डिस्प्ले होएगी, आपके पेजेस उसमें डिस्प्ले नहीं होते। तो ये थे बड़े फाइव मेजर डिफरेंसेस जो पोस्ट और पेज को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।